हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिटेरेनियन सी की, और इसको हिंदी में कहा जाता है भूमध्य सागर। तो मेडिटेरेनियन सी जो है वो तीन कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। एक है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है एशिया। तो एशिया इसके ईस्ट में है और यूरोप नॉर्थ में है और अफ्रीका जो है वो साउथ में है। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ टच करती है मेडिटेरेनियन सी को। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें काफ़ी बार पूछा गया है, और इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही है मेडिटेरेनियन को, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट सीज जो है मेडिटेरेनियन में वो भी आपको पता होने चाहिए, और उनको कौन सी कंट्रीज टच कर रही है वो भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्रीज जो है वो टच कर रही है, और उसके बाद हम लोग मैप में उनकी लोकेशन देखेंगे। तो सो स्टे ट्यून, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हमको पता है कि 21 कंट्रीज जो है वो सराउंड कर रही है, टोटल 21 कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन पे कोस्टलाइन बनती है। टोटल 21 कंट्रीज़, 21 जो देश है उनकी कोस्टलाइन बनती है मेडिटेरेनियन पे। अब यूरोप में वेस्ट टू ईस्ट हम लोग देख रहे हैं, वेस्ट तो सबसे वेस्ट में जो है वो है स्पेन, तो स्पेन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर स्पेन के बाद आता है फ्रांस, मोनैको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, अल्बेनिया एंड ग्रीस। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है ये यूरोप की है, और ये अपनी बाउंड्री बनाती है, अपनी कोस्ट लाइन बनाती है मेडिटेरेनियन में। देन देखते हैं हम लोग एशिया की कंट्री, एशिया की कौन कौन सी कंट्री है, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनन एंड इजराइल। देन अफ्रीका की कौन कौन सी है, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिशिया एंड अल्जीरिया, और लास्ट है मोरक्को। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। टर्की जो है वो पार्शली प्रेजेंट है यूरोप में, बट उसका जो मेन पोर्शन है वो एशिया में प्रेजेंट है। तो ये जो कंट्री है ये भी दो कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा इजिप्ट जो है वो मेनली अफ्रीका में प्रेजेंट है, बट उसका सिनाई पेनिनसुला जो है वो कहाँ आता है, एशिया में। देन पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी भी टच करती है किसको, मेडिटेरेनियन को। देन कुछ टेरिटरीज़ जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ टेरिटरीज़ जो है वो भी टच करती है। यहाँ पर कौन कौन सी टेरिटरीज़ है, ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी जो है जिब्राल्टर, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा था अभी रिसेंटली, तो ये कंट्री काफ़ी न्यूज़ में है, तो आगे आने के बहुत चांसेस है इसके बारे में पूछे जाने के। देन स्पैनिश एनक्लेव ऑफ सीटा एंड मेलिया और उसके जो नियर बाय आइलैंड्स है वो भी टच करते हैं मेडिटेरेनियन को। देन ब्रिटिश सोवरेन बेस जो है अक्रोटीरी और दकेलिया, ये भी टच करते हैं किसको, मेडिटेरेनियन को। तो ये सारी कंट्रीज़ हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखते हैं इसकी लोकेशन मैप पर। तो यहाँ पर मैप में मैंने लोकेशन डाली है मेडिटेरेनियन सी की, और इंडिया के रिस्पेक्ट में कहाँ पर इसकी पोजीशन आप लोग देख सकते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट में इसकी लोकेशन है, एग्जैक्टली वेस्ट में नहीं है बट स्लाइटली नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया है हमारा, और यहाँ से हम लोगों को अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं तो मेडिटेरेनियन की लोकेशन हम लोग को दिख जाती है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे हम लोग को देखना है। यूरोप की फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंट्रीज़ देखेंगे। यूरोप में जो है सबसे पहले कौन सी कंट्री है, स्पेन। स्पेन ये देख सकते हैं यहाँ पर, स्पेन जो है ये है स्पेन। देन है फ्रांस, ये फ्रांस है। फ्रांस के बाद है, देन फ्रांस के बाद जो है ये यहाँ पर आपको छोटी सी कंट्री दिखेगी, ये है मोनैको। मोनैको के बाद है इटली, इटली के बाद है यहाँ पर डाउनवर्ड हम लोग थोड़े से जाएंगे नीचे तो मिलेगा आपको माल्टा, जो है वो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है और वो आपको मिलेगी यहाँ पर, और ये यूरोप में आती है। फिर इसके बाद आता है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के लिए थोड़ा सा आपको ऊपर साइड जाना पड़ेगा नॉर्थ में इसके, तो ये आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर स्लोवेनिया। उसके बाद है क्रोएशिया, फिर नीचे आपको बोस्निया मिलेगा, तो बोस्निया के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप बोस्निया देख सकते हैं, बोस्निया एंड हर्जेगोविना जो है ये वाला पोर्शन ये यहाँ पर टच कर रहा है। देन बोस्निया के यहाँ पर, बोस्निया जो है उसके नीचे आएंगे तो आपको मोंटेनीग्रो मिलेगा, और यहाँ पर मोंटेनीग्रो के नीचे अल्बेनिया है। थोड़ा सा हम लोग नीचे करके देख लेते हैं इसको, ये है अल्बेनिया, अल्बेनिया, और लास्ट जो है वो है कंट्री ग्रीस, जो यूरोप की लास्ट कंट्री है यहाँ पर, ये ग्रीस है, इसकी बाउंड्री मिल रही है मेडिटेरेनियन से, और ये है अल्बेनिया। देन
एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी है, तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्की। इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर ये है टर्की। टर्की को देख सकते हैं, लोकेट कर दिया है मैंने, और फिर इसके बाद हम लोग और भी कंट्रीज़ है जो आगे वो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बताया है, ये टर्की है, टर्की के नीचे यहाँ पर साइप्रस है, साइप्रस के बाद ये जो सीरिया है, ये सीरिया, लेबनान और जॉर्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। जॉर्डन यहाँ पर आप अगर जूम करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन को टच नहीं करता, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सीरिया करता है, लेबनान करता है, इज़राइल करता है, बट जॉर्डन जो है उसकी बाउंड्री, उसकी कोस्ट लाइन नहीं है मेडिटेरेनियन के साथ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये जितनी भी कंट्रीज है, लेबनान, सीरिया, इज़राइल और साइप्रस, ये आपको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर कन्फ्यूजन होता है और यहीं पर क्वेश्चन भी बनता है। तो ये हो गई हमारी एशिया की कंट्रीज़। इसके बाद हम लोग देखते हैं अफ्रीका की कंट्रीज़ को। तो अफ्रीका की जो है टोटल 5 कंट्रीज़ है यहाँ पर जो कवर कर रही है मेडिटेरेनियन को। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कौन सी कंट्री है यहाँ पर। इजिप्ट जो है वो सबसे पहले है, सॉरी, इजिप्ट यहाँ पर सबसे नॉर्थ में जो है इजिप्ट है अफ्रीका के, तो ये सब ये कवर कर रही है मेडिटेरेनियन को। फिर लीबिया है, देन ट्यूनीशिया है, और अल्जीरिया भी कवर कर, तो अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा मोरक्को। मोरक्को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों, यहाँ से इब्न बतूता जो है आपने सुना होगा उनका नाम, वो मोरक्को से आए थे, और ये एक अफ्रीकन कंट्री है और ये कवर कर रही है मेडिटेरेनियन को, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ टेरिटरीज जो है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिब्राल्टर, एक जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, हालांकि ये ऑटोनॉमस है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो जिब्राल्टर आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, स्पेन के नीचे है जिब्राल्टर, ये देख सकते हैं आप लोग, स्पेन के नीचे है बट ये टेरिटरी है ब्रिटिश टेरिटरी, यहाँ पर जिब्राल्टर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है स्पेन की टेरिटरी स्यूटा, जो यहाँ पर प्रेजेंट है जिब्राल्टर के ठीक नीचे, और ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन, आपको देखने में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये है अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में, आप देख सकते हैं स्यूटा, ये है स्पेन की टेरिटरी। तो यहाँ पर वीडियो हमारा ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।